युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया को भी हिरासत में लिया गया है। राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी का ये मामला है, जहां युवा कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन जारी है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी के मामले को लेकर राजस्थान युवा कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन जारी है, जहां कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प की स्थिति भी देखने को मिली। कैसा माहौल बना हुआ है, इसके साथ ही टिप्पणी का क्या ये पूरा मामला है? भाजपा नेताओं के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर माहौल जो है कहीं ज्यादा गर्माता जा रहा है। युवा कांग्रेस की ओर से आज पीसीसी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ता तमाम युवा कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। तो अचानक भाजपा प्रदेश कार्यालय की तरफ जाने के लिए दौरान पुलिस से उनकी काफी झड़प भी हुई और पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन जालूपुरा जो मोड़ है वहां तक पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं को रोका। पुलिस ने तमाम जो बड़े नेता यूथ कांग्रेस राजस्थान यूथ कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है पदाधिकारी है। जी विवेक, तमाम जो विरोध सरकार से देखा जा रहा है लगातार नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता जो है वो पुलिस गाड़ी को घेर कर जाने से रोक रहे हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी भी लगातार जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया को भी हिरासत में लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक हमसे जुड़ने के लिए। राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी का ये पूरा मामला है, जहां पर जयपुर में राजस्थान युवा कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन जारी है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान पुलिस भी वहां पर पहुंची है।